की DPR तैयार करवा के ऊपर भेज दी है और ये वहाँ पर चली गई है अप्रूव होने के लिए। ये 6 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें वॉलिंग अप एंड डाउन और शेड के लिए उन्होंने लिखा हुआ है। ये मेरे पास लेटर कल मैंने AW साहब से। नमस्कार, मैं हूँ रवि सिंह, मैं आपको लेकर आया हूँ आज उधमपुर वार्ड नंबर 10 देविका तट, और जिसे मंगू की बोली कहा जाता है। मैं पहले आपको आज वो दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये दिखाएं कि ये देखिए, ये तीन यहाँ पर ये नाड़े बने हुए हैं, ये नाड़ू जिसे कहा जाए ये बने हुए हैं, और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर नहाते हैं। और पीने का पानी, अगर मैं बात करूँ तो पीने का पानी यहाँ से आधे से ज़्यादा उधमपुर यहाँ से पीने का पानी लेकर जाता है और नहाने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इसकी मैं दयनीय हालत बताना चाहूँगा कि ये देखिए, ये पूरी तरह से ये रास्ता टूट चुका है और लोगों की काफ़ी डिमांड थी, मांग थी लोगों की कि इस रास्ते को ठीक तरीके से बनाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी लोग यहीं से लेते हैं। अगर PHE विभाग की बात करें तो जब PHE विभाग की ओर से पानी सप्लाई बंद होती है, कहीं कनेक्शन टूटते हैं, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रश रहता है। लेकिन अगर आने जाने का रास्ता ठीक नहीं होगा तो लोगों को काफ़ी परेशानी आती है। कई बार लोग यहाँ पर गिरे हैं, और मैं आपको बताता चलूँ कि 2-3 साल पहले एक व्यक्ति की यहाँ पर गिरने से मौत भी हुई थी। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे साथ आज यहाँ पर वार्ड नंबर 10 के पार्षद भी आए हुए हैं। लेकिन मैं फिर बताना चाहूँगा कि ये देखिए, मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि ये रास्ता देखिए, पूरी तरह से ये रास्ता टूटा हुआ है, पूरी तरह से ये रास्ता टूटा हुआ है। ये मैं फिर बताता चलूँगा आपका, ये रास्ता बना हुआ है लेकिन ये रास्ता पूरी तरह से टूटा हुआ है। ये मैं आपको ये यहाँ की स्थिति बता रहा हूँ कि ये बावली जिसे मंगू की बोली कहा जाता है, ये मैं फिर आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, ये किस तरह से ये रास्ता है। अंधेरे के समय में यहाँ पर कोई नहीं चल सकता क्योंकि लाइट का प्रबंध भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर अनिल अरोड़ा जी भी आए हुए हैं, मैं अनिल जी से पूछना चाहूँगा। अनिल जी, बताएं कि क्या किया जा रहा है, कि आप जानते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग पानी भरने के लिए आते हैं, नहाने के लिए आते हैं, और यहाँ के रास्ता भी यहाँ से निकलता है, मंदिर भी है, देवका तट भी बना हुआ है यहाँ पर, देवका में कई मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या किया जा रहा है आपकी ओर? रवि जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सुबह की नमस्कार आप सबको। ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है और इसके लिए हम पिछले साल से लड़ रहे हैं, और मैं और डॉक्टर जोगेश्वर जी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हम यहाँ पर साइड पे आए थे, हमने यहाँ पर एक्सिन साहब को भी साथ में लाए, JEE AEW, और आज आपको ये जानकर खुशी होगी, ये मेरे हाथ में क्लियरेंस है पूरी कि इसकी DPR चीफ सेक्रेटरी को पहुँच चुकी है। इसकी DPR 6 करोड़ के करीब है, जो कि कल मैंने अप्रूवल वहाँ से निकलवाया कि इसकी DPR सेंशन के लिए सेक्रेटरेट में बीत चुकी है। हमने इसकी जो मुपाइश करवाई थी उसके बहुत जल्दी हमारे एक्सिन साहब, वो भाई परसों रिटायर भी हो गए हैं वरिंदर जी, और उन्होंने बड़े अच्छे इनिशिएटिव से इसकी DPR तैयार करवा के ऊपर भेज दी है और ये वहाँ पर चली गई है अप्रूव होने के लिए। ये 6 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें वॉलिंग अप एंड डाउन और शेड के लिए उन्होंने लिखा हुआ है। ये मेरे पास लेटर कल मैंने AW साहब से निकला। लेकिन अरोड़ा जी, कहीं ना कहीं देखे तो पहले DPR बनती है, उसके बाद फिर पहले कागजों में कार्रवाई रहती है, ये तो क्या बताएंगे आपके कितना समय लगेगा क्या इसे बनकर? ये DPR के लिए टाइम लगता है, इतना मैं आपको बता दूँ। ये अप्रूवल होगी जाके मार्च के बाद, उससे पहले ये अप्रूवल नहीं होगी, ये मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये हमारे हाथ में पावर नहीं है इतनी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 6 करोड़ के करीब प्रोजेक्ट है। ये उनकी कोशिश है दोनों साइड पे वॉलिंग खड़े करना और शेड बनाना, जो उन्होंने इस लेटर में मेरे को ये लेटर मैं रवि जी आपको दूंगा, ये लेटर मैंने आपके लिए लाया, मेरे पास लेटर ऑलरेडी है। तो आपको फिर बता दूँ कि यही रास्ता जो निकलता है, लेकिन मैं आपको आगे भी दिखाना चाहूँगा, मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये लकड़ी का टॉल बना हुआ है, संस्कार के लिए अगर कोई आता है तो यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग की ओर से, सरकार की ओर से लकड़ी दी जाती है, लेकिन ये बाज़ार से सस्ती लकड़ी मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि देखिए कितना लकड़ी सबसे ज़्यादा यहाँ पे, लकड़ी बहुत है, ये लकड़ी बहुत है, लेकिन काटने वाले की अगर मैं बात करूँ तो एक व्यक्ति है, वही ये लकड़ी काटता है। अगर यहाँ पर 10 डेड बॉडी आती है, उसके साथ कितने लोग आते हैं, लेकिन डेड बॉडी संस्कार करने के लिए जो लकड़ी चाहिए, जो लकड़ी चाहिए वो एक व्यक्ति ही काट कर वो लकड़ी देगा, और व्यक्ति कोई नहीं है।
लेकिन परेशानी तभी लोगों को आती है कि लाइन में लगना पड़ता है, वो एक एक व्यक्ति को एक एक लकड़ी काट कर देता है। लेकिन बड़ी पुरानी मांग थी, कई संस्थाओं द्वारा, कई लोगों द्वारा, कई नेताओं द्वारा ये आवाज़ भी उठाई गई कि यहाँ पर छोटा आरा लगाया जाए, छोटी आरी लगाई जाए, ताकि लोगों को लकड़ी आसानी से मिल सके और काटने वाले को भी ज़्यादा दिक्कत ना करनी पड़े। अनिल जी क्या कहेंगे कि यहाँ पर आरे की काफ़ी पुरानी डिमांड रखी गई है कि आरा लगना चाहिए, कहीं ना कहीं देखें तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, एक व्यक्ति काटने वाला रहता है, क्या किया जा रहा है? रवि जी आपको ये जानकर खुशी होगी कि वो मेरी मेहनत, हम सबकी मेहनत, मैं अपनी नहीं कहूँगा, इसके लिए बहुत लोग लड़े हैं और वो 5 लाख रुपया मंजूर हो गया है, इसका टेंडर भी हो गया और टेंडर अलाट भी हो गया। लेकिन बदकिस्मत से हमारी सुविधा मैडम यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन उन्होंने वादा किया जब मार्च तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके साथ ओपड़ी में आपके साथ खड़ी रहूँगी। अब यहाँ पर गर्ग साहब आए हैं, उन्होंने एक दो दिन में पहले ज्वाइन कर लिया, मैं उनको एक दो दिन में मिलूँगा कि ये काम जितनी जल्दी हो सके, इसके लिए 5 लाख रुपये अप्रूवल हो चुका है। काम 5 लाख रुपये क्या क्या किया जाएगा? इस जगह को प्लान किया जाएगा, इस पर एक शेड बनेगा, 2 या 3 कमरे बनेंगे और उसके साथ यहाँ पर जो मशीन होगी वो लगाई जाएगी। उसके लिए हमने पूरी उनसे बातचीत कर ली है, अब जैसे गर्ग साहब से मेरी मुलाकात होती है मैं उसको इसका आपको पूरा विवरण दे दूंगा। मैंने 3 साल पहले ये लेटर लगाए थे और वो अब रंग लाए। आपको पता है डिपार्टमेंट काम में काफ़ी लंबे चौड़ी प्रक्रिया होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि दीपका माई की जो दीवालें गिरी हुई हैं तो वो भी प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन वो भी हल हो गया, ये भी हल हो गया। टाइम जरूर लगता है काम को, लेकिन काम पूरा हल तब होगा जब ये तैयार हो जाएगा। लेकिन देखिए मैंने पहले भी आपको बताया कि बड़े लंबे चौड़े चलते हैं ये, आप मानिए कि आपको भी काफ़ी समय हो गया कि अब पार्षद बने हुए, तो ये डिमांड काफ़ी पुरानी लोगों की डिमांड थी ये, लेकिन अब रह गए 8-10 महीने रह गए, अगर 8-10 महीने के अंदर ये कंप्लीट होता तो एक बहुत बड़ा तोहफा आप। रवि जी ये काम मुझे उम्मीद है इसी महीने के एंड में लग जाएगा, टेंडर हो चुका है, अलॉटमेंट भी हो चुकी है, मेरे को ठेकेदार का भी पता नहीं है, मंडे को जाके ऑफिस में ठेकेदार का पता करके उसको कहूँगा भाई मेरे अगर ये काम सबसे पहले करोगे तो इससे बड़ा पुण्य भी दुनिया में कोई नहीं है, क्यों यही से ही इंसान का आखिरी रास्ता है, यही सब कुछ है। देवका मैया की जय। आपने देखा कि ये थे वार्ड नंबर 10 के पार्षद अनिल अरोड़ा जी। मैं फिर आपको बता दूं कि लकड़ी के ढेर लगे हुए हैं, लकड़ी की कमी नहीं है, लेकिन फिर मैं वही बात आती है कि काटने वाला व्यक्ति एक है, लेकिन जिस तरह से अनिल जी ने बताया कि 5 लाख रुपया सेक्शन किया गया है, बड़ी जल्दी यहाँ पर शेड बनाया जाएगा, ज़मीन को प्लेन किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर शेड और 2 कमरे बनाए जाएंगे और छोटी मशीन जिसे आरा जिसे कहा जाए वो भी लगाई जाएगी। देखिए आपके सामने चैनल पर इन्होंने कहा है कि और मुझे भी उम्मीद है कि ये काफ़ी पुराने लोगों की मांग थी, इस मांग को पूरा किया जाएगा। 5 करोड़ रुपया जो पीछे बताया जा रहा है कि जो बाउंड्री बाल दी जाएंगी और रास्ता बनाया जाएगा। देखिए मंगू की बोली काफ़ी मशहूर बोली ये रही है और काफ़ी लोग यहाँ से पानी भरते हैं, नहाने के लिए आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि आधा शहर यहीं से पानी पीने के लिए घर ले जाता है और PHE विभाग की बात करें तो उनकी ओर से कई बार पाइपें लीक रहती हैं, कई बार पानी बंद रहता है तो लोग यहीं से पानी लेते हैं। और एक तरफ ये भी कहा जाता है कि बावलियों को साफ़ सुथरा रखा जाए, लोगों के लिए पानी पीने के लिए साफ़ रखा जाए, तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा जिसे कहा जाए ये पानी का यहाँ पर सोर्स है। यहाँ पर बावलियाँ पीछे बनी हुई हैं लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो लोगों को अगर ये चीज़ें बनती हैं तो लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।